माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? स्टेनोग्राफर पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश से डरते हैं या जो इंग्लिश की वजह से परेशान है और उनका एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें उनको परेशानी होती है ड्यू टू इंग्लिश। ठीक है, तो ये वीडियो डिटेल में नहीं है, ये जस्ट शॉर्ट वीडियो है। और कल प्रॉमिस, मतलब वीडियो आज ही बन के तैयार हो जाएगी, बट अपलोड कल होगी ऑफिस में जाके वाईफाई का यूज़ करके, क्योंकि डेटा इतना नहीं होता है, ठीक है, कि एक साथ मैं वीडियो अपलोड कर सकूं। चलिए, तो उसमें मैं आपको ये सब बताऊंगी कि मैंने एक ठेठ गांव में पढ़ने के बावजूद, एक ऐसा बीहड़ गांव जहाँ पे ऐसा स्कूल हो कि पेड़ के नीचे बैठ के हम लोग पढ़े हों और इंग्लिश का वहाँ पे कोई भी माहौल नहीं था। फिर जब मेरा नवोदय में सिलेक्शन हुआ तो मैं बहुत रोती थी क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, समझ में नहीं आता था, ठीक है। और नवोदय क्या होता है, 6 to 9 वो तो बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाया जाता है, लेकिन ज़्यादा प्रेफर करते हैं टीचर कि वो इंग्लिश में ही पढ़ाएं। और अगर ना भी प्रेफर करें तो यार हम इंग्लिश की बुक से कैसे बचते, इंग्लिश तो इंग्लिश में होती है ना, बाकी चीज़ें भले ही में हिंदी में हो जाएँ। तो मैंने कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया, ये रियल स्टोरी होगी, ठीक है, जो अगली वीडियो में बनने वाली है, ये रियल स्टोरी है मेरी। और कैसे मैंने धीरे 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 इम्प्रूवमेंट करके अपने आप को इतना अच्छा किया इंग्लिश में कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे जो शहरों में पढ़े हुए थे, इवन मैं उनसे भी आगे निकली। और आज का मेरा जो क्या कहते हैं एक हॉबी है वो नॉवल पढ़ना है, और स्पेशली मैं इंग्लिश के प्रेफर करती हूँ। रोंडा बन के जितनी भी नॉवल हैं सारे मैंने पढ़े, वो भी इंग्लिश में। तो आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, मैं जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि मैंने कैसे अपने इंग्लिश लेवल को हाई किया, मैंने कैसे खुद को इम्प्रूव किया। तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है, सबसे पहले तो एक लैंग्वेज है जिससे उनको परेशानी होती है जिन्होंने बचपन में नहीं सीखी है, फिर जिनका माहौल हिंदी मीडियम रहा हो जैसे कि मेरा। लेकिन ये प्रॉमिस है मेरा कि अगर आप मेरी बातों पे अमल करेंगे और ऑनेस्टली मेरी वीडियो देखेंगे और उसको समझेंगे तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। और एक एक वर्ड आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। मुझे कोई एडवर्टाइज़ नहीं करना कि मेरा चैनल ज़्यादा व्यू बढ़े इसलिए मैं बोल रही हूँ, ये बात एकदम सही है। क्योंकि खुद मेरा भाई भी बहुत परेशान था अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि उसकी इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, वो नवोदय नहीं पढ़ा, उसका नहीं हुआ था, मेरा हुआ था, मेरी छोटी बहन का हुआ था। तो उसने भी मुझसे यही बात कही कि दीदी मैं कैसे तैयारी करूँ, मेरी इंग्लिश बिल्कुल ज़ीरो है और बहुत सारे एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है, तो वो कैसे करें। तो मैंने उसको यही बताया जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ट्रस्ट अगर हो तो वीडियो देखिएगा और वाकई में आपकी लाइफ बदल देगी और आपका जो इंग्लिश का फोबिया है ना वो दूर होगा और आप ज़रूर उसमें परफेक्ट होंगे। टाइम लगेगा बट यू विल बी परफेक्ट, दैट्स माई प्रॉमिस।